नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर आद्या। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मंगलवार को विदेश दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वह 22 से 24 अगस्त 2023 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग का दौरा करेंगे। इसके बाद वह ग्रीस यात्रा पर जाएंगे। यह पहला मौका होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री 40 वर्षों में ग्रीस यात्रा पर जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह को तरक्की देते हुए पार्टी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया है। इसके बाद प्रतिभा सिंह का राष्ट्रीय राजनीति में भी कद बढ़ा है। बताया जा रहा है कि प्रतिभा सिंह को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष या सांसद के नाते सीड ब्लूसी में शामिल नहीं किया गया है। समर्थकों के लिए अच्छी बात यह है कि उन्हें स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया है। राज्यसभा सदस्य के रूप में विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत 9 नेताओं ने सोमवार को शपथ ली। इनमें 5 सदस्य पहली बार निर्वाचित होकर उच्च सदन यानी राज्यसभा पहुंचे हैं। 9 सदस्यों में 4 भारतीय जनता पार्टी से और 5 नेता टीएमसी से हैं। संसद भवन में सोमवार को राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने 9 सदस्यों को शपथ दिलाई। इनमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दूसरी बार राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। मध्य प्रदेश में भले ही अब तक चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने प्रत्याशियों को ऐलान के बाद चुनावी समर का ऐलान कर दिया है। सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले पिछोर में सभा करते हुए बड़ा ऐलान किया। सीएम शिवराज ने पिछोर को जिला बनाने की बात भी कही है, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त भी रख दी है। मुंबई से रांची की ओर जा रही इंडिगो की फ्लाइट की सोमवार शाम को नागपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल प्लेन में सफर कर रहे एक यात्री की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते नागपुर के बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। 62 वर्षीय पुरुष यात्री डी तिवारी को सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। चोर लुटेरे और डकैत भी शुभ मुहूर्त निकलवाकर वारदात को अंजाम देते हैं। इस पर शायद लोगों को यकीन नहीं हो, लेकिन पुणे में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। इस खुलासे ने लोगों के साथ साथ पुलिस को भी चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि 5 बदमाशों ने डकैती की इस वारदात को अंजाम देने के लिए पहले ज्योतिषी से शुभ मुहूर्त की सलाह ली, फिर डकैती की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI दिन आधार कार्ड को लेकर नई जानकारी साझा करता है। बता दें कि आधार संख्या धारकों को अपने डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए नामांकन की तारीख से हर 10 साल में कम से कम एक बार अपने दस्तावेजों को आधार में अपडेट करने के लिए कहा गया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।